नमस्कार दोस्तों, हम सभी जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वो अब कर दिया है। आज है डेट 7 जुलाई और CBSE के एकेडमिक ब्रांच ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अंदर रिवाइज्ड एकेडमिक करिकुलम फॉर सेशन 2021 के बारे में बताया गया है। इसके हिसाब से क्लास 9 से लेकर 12th तक का जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है, वो कम कर दिया गया है अगले सेशन के लिए। तो देखते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं। यहाँ पर लिखा है, However, the reduced syllabus will not be part of topics for internal assessment and year end board examination. ये जो syllabus reduce किया गया है वो जो syllabus है वो internal assessment में भी नहीं आएगा और final board के exam जो कि March 2021 में होगा उसमें भी नहीं आएगा। internal assessment का मतलब class 9th और 10th के जो boards से पहले जो papers होते हैं उनमें भी नहीं आएगा और board में भी नहीं आएगा। तो देखते हैं डिडक्टेड पोर्शन ऑफ क्लास 10th के बारे में जिसमें मैथ का हमने टॉपिक ले रखा है। यहाँ पे चैप्टर 1 है, यूनिट 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में रियल नंबर में एक पोर्शन है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं आएगा, बाकी पोर्शन जो है वो बरकरार रहेगा इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एलजेब्रा। एलजेब्रा में जो पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम और डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशियंट जो है वो रिमूव कर दिया गया है। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशियंट्स वाला जो क्वेश्चंस आते थे वो रिमूव कर दिया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जब पॉलिनोमियल सॉल्व करते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमारे पास 3-4 टाइप के सॉल्यूशंस थे। इन 3-4 टाइप्स के सॉल्यूशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता था, और ये अब CBSE ने टोटली रिमूव कर दिया है अगले बोर्ड के लिए, अगले मार्च 2021 बोर्ड के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशंस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कुछ ऐसे सिचुएशंस आती थी, प्रॉब्लम्स आती थी जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना के फिर सॉल्व करते थे, उसको अब रिड्यूस कर दिया गया है, रिमूव कर दिया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन ऑन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पोर्शन है यूनिट 3 का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला पोर्शन जो है वो पर्टिकुलरली इन्होंने रिमूव कर दिया है। जियोमेट्री के अंदर अगर हम देखें तो जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं ट्राइंगल में, प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थियोरम्स, कुछ थियोरम्स आती थी एग्ज़ाम में उन थियोरम्स के को रिमूव कर दिया गया है, जैसे द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और दूसरी थ्योरम है इनर ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर्स। मतलब ये वाली जो थ्योरम है वो पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानी जाती थी, वो थ्योरम अब CBSE ने रिमूव कर दी है। सर्कल के पोर्शंस में से कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा जो डिलीटेड पोर्शन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, और जो डिलीटेड पोर्शन नहीं है वहाँ पे लिखा हुआ है नो डिलीशन। कंस्ट्रक्शन के पार्ट में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल, सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको दिया होता है और एक और ट्राइंगल उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करनी होती है, उससे छोटी या उससे बड़ा ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना होता है, वो पोर्शन भी CBSE ने रिमूव कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री में जो यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एज 0 to 90 degree, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीशन नहीं हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो बरकरार है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर मेंसुरेशन की बात करें, मेंसुरेशन जिसमें हम बहुत सारे फॉर्मूलेज को याद करते हैं, उसके अंदर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल 120 degree अब CBSE ने रिमूव कर दिया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो फ्रस्टम ऑफ कोन जिसमें एक बाल्टी बनती थी, फ्रस्टम ऑफ कोन की बात होती थी, एक कोन को ऊपर का पोर्शन काट दिया जाता था तो एक बाल्टी बन जाती थी, बकेट बन जाती थी, वो पोर्शन अब रिमूव कर दिया है। फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब इसका वॉल्यूम भी और एरिया भी, लेटरल सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया टोटली रिमूव हो चुका है अब नेक्स्ट सिलेबस के लिए। यूनिट 6 है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, अब इसमें से कुछ रिमूव होता है तो हमें दिक्कत होती है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी नंबर स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने स्टेप डेविएशन मेथड
स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। मीन के दो तीन मेथड्स हैं, उसमें से जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो यहाँ पे टोटली रिमूव कर दिया है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो ओजाइव बनता था वो भी इन्होंने रिमूव कर दिया है, बट थैंक्स फॉर CBSE कि प्रोबेबिलिटी में इन्होंने कोई डिलीशन नहीं किया है। प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं किया है, प्रोबेबिलिटी में डिलीशन होता तो बच्चों के नंबर कम हो जाते। इस कारण से हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी बच्चों को आसान हो, बच्चे अच्छे नंबर ले आते हैं और ऐसा हम करते भी हैं, तो यहाँ पे कोई डिलीशन नहीं हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।